बहुत सारे भाई लोग हमारे ऐसे हैं जो स्ट्रीम करते हैं या स्ट्रीम शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई पीसी नहीं है, कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं है स्ट्रीम करने के लिए, और खाली मोबाइल से स्ट्रीम करने में प्रॉब्लम ये आती है कि या तो हम लोग टीममेट्स के साथ जो अपनी वॉइस चैट है उसको ही स्ट्रीम कर सकते हैं, और या फिर जो इन गेम साउंड होती है उसको ही स्ट्रीम कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर मिस हो जाए तो स्ट्रीम उतनी अट्रैक्टिव नहीं रहती है, उतना ऑडियंस का रिटेंशन नहीं मिलता है उसको। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा सेटअप देखने वाले हैं, ऐसा स्ट्रीमिंग सेटअप जो स्मार्टफोन बेस्ड है, और उस स्ट्रीमिंग सेटअप से आप तीनों काम कर सकते हैं। आप स्ट्रीम पे अपने व्यूअर्स से बात कर सकते हैं, अपने जो टीममेट्स हैं उनके साथ जो वॉइस चैट है वो कर सकते हैं और वो भी स्ट्रीम होगी, और साथ साथ जो गेम साउंड है वो भी आप स्ट्रीम कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, यूज़फुल लगेगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जबरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे स्मार्टफोन का ही यूज़ करके हम लोग तीनों तरह के जो साउंड्स हैं, चाहे आपको अपने ऑडियंस से बात करनी हो, चाहे आपको अपने टीममेट से बात करनी हो वो वॉइस चैट हो, और आपका जो इन गेम साउंड है, वो तीनों ही चीज़ें आपको केवल स्मार्टफोन का यूज़ करके कैसे स्ट्रीम करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हमको चाहिए, हार्डवेयर क्या क्या चाहिए, और सॉफ्टवेयर ऐप्स कौन कौन से चाहिए जो हमारे जो स्मार्टफोन है उसमें होने चाहिए। तो बात करें अगर हार्डवेयर की, तो सबसे पहले हमको चाहिए एक ऑक्स केबल। 3.5 mm के पिन्स होते हैं जिसमें, और ये बहुत कॉमन है, आजकल सभी के घरों में मिल जाती है। दोनों तरफ 3.5 mm पिन है, और इसको हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं हमारी कार्स वगैरह में ऑडियो ट्रांसफ़र के लिए, जो हमारे स्पीकर्स होते हैं उनको अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए। तो एक ऑक्स केबल चाहिए। दूसरी चीज़, माइक्रोफोन चाहिए आपको। और इसमें देखिए, अगर आपको आप चाहते हैं अच्छे से इन्वेस्ट करना, तो एक अच्छा सेंसिटिव माइक अगर लेंगे तो बहुत अच्छा है, मेरी अपनी रिकमेंडेशन है। ये माइक है कंपनी बोया का, BYM1, यूट्यूबर्स का फेवरेट माइक है। चाहे आप ऑफलाइन वीडियोस बना रहे हो, चाहे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, अगर आप अपने चैनल को सीरियसली लेते हैं, तो मेरी हाईली रिकमेंडेड मेरी तरफ से है कि ये माइक आप जरूर ले लें। अगर आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मोबाइल फोन्स के साथ जो हैंड्स फ्री किट आती है बिल्कुल ऐसी, तो ये वाला माइक जो है, जो आपकी हैंड्स फ्री के साथ आया है, ये वाला माइक भी काम करेगा। ये अच्छा सेंसिटिव माइक होता है, लेकिन अगर आप वो अफोर्ड कर पाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो दूसरे नंबर पे माइक। तीसरे नंबर पे हम लोगों को चाहिए स्पीकर्स। अब स्पीकर आपका हो सकता है ये भी जो सिंपल ब्लूटूथ वाले स्पीकर्स आते हैं, लेकिन ऑक्स इनपुट इसमें होना चाहिए जो ऑक्स केबल से जुड़ जाएं, या तो ऐसे हों। और चौथे नंबर पे हैं हमारे दो स्मार्टफोन्स। इसमें हम लोग करने ऐसे वाले हैं कि एक पे हम लोग गेम खेलेंगे, इसको बोलेंगे फ़ोन वन, और इस पे हम लोग गेम खेलेंगे केबल, और इससे हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं। तो दो आपको स्मार्टफोन्स चाहिए टू एंश्योर कि क्वालिटी भी हो और आप गेम भी अच्छे से खेल पाएँ। एक्चुअली दो स्मार्टफोन्स होने का अपना एडवांटेज एक बहुत बड़ा ये है कि आप दो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए दो अलग अलग प्रोसेसर आप दे रहे हैं। गेमिंग के लिए आपने एक स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया, तो जो प्रोसेसर है, जो रैम है, जो रिसोर्सेज हैं एक फ़ोन के, वो केवल गेम खेलने में खर्च हो रहे हैं, और दूसरा स्मार्टफोन जो है वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है स्ट्रीम करने के लिए। तो अपने जो भाई बहन है, कजन्स वगैरह, उनसे घंटे दो घंटे के लिए अगर आप फ़ोन ले लेते हैं स्ट्रीम करने के लिए, इट विल बी फार बेटर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जो दूसरे भाई से फ़ोन लिया है, या थोड़ा सा फटाके मम्मी या पापा को फ़ोन लिया है, तो उसमें हम लोग गेम इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, उसको स्ट्रीमिंग की के डिवाइस की तरह रखेंगे। और जो स्ट्रीमिंग फ़ोन है उसमें हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं दो ऐप्स, दोनों ऐप आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे, इस फ़ोन से अगर मेरे को स्ट्रीम करना है, तो मेरे को स्ट्रीम लैब्स जो ऐप है उसको इसमें डाउनलोड करना है, और ए पावर मिरर नाम का एक ऐप है, वो दोनों इसमें डाउनलोड करना है जिससे आपको स्ट्रीम करना है। और दूसरा डिवाइस जो आपका गेमिंग डिवाइस है, ऑब्वियसली इसमें आपका गेम रहेगा और एक मिररिंग ऐप रहेगा, वही ए पावर मिरर। तो भाई लोग, हार्डवेयर कनेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा ऑक्स केबल है उसको हम लोग अटैच करेंगे, जो हमारा गेमिंग वाला फ़ोन है जिस पर हम लोग गेम खेलने वाले हैं उससे। तो ऑक्स केबल लगाते हैं इसमें। ये ऑक्स केबल जो है, ये हमारे फ़ोन का ऑडियो इस पॉइंट पे भेज देगा, और इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने स्पीकर से। तो मेरे स्पीकर में यहाँ पे पीछे ऑक्स का पोर्ट है, तो यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो मेरे फ़ोन की गेम साउंड है वो यहाँ स्पीकर पे ट्रांसफ़र हो रही है, इस स्पीकर से निकलेगी। हमारे वो भाई लोग जिन लोगों को ये लगता है कि सीधे स्पीकर से साउंड सुनने में जो एनिमीज़ है उनका फुटस्टेप वगैरह नहीं मिलेगा, तो उनके लिए एक ऑप्शनल एक्सेसरी है। आप चाहें तो एक और एक्सेसरी बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है ये ऑडियो स्प्लिटर।
ऑडियो स्प्लिटर एक तरफ 3.5 mm जैक होता है और ये एक ऑडियो इनपुट से दो ऑडियो आउटपुट बनाता है, मतलब यहाँ पे भी आप एक हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि बीच में इसको इस्तेमाल कर लें, अपने गेमिंग हेडफोन में इसको कनेक्ट करें और अब आपको दो ऑडियो सोर्स मिल गए हैं। एक से आप अपनी ऑक्स केबल कनेक्ट कर देंगे जो की जाएगी स्पीकर में लाइक दैट, और दूसरा जो हमारा आउटपुट है ये वाला, इससे आप चाहें तो एक सेकेंडरी पेयर ऑफ हेडसेट आप अपने लिए कनेक्ट कर सकते हैं जिसे आप सीधे अपने कान में लगाइए और अपना जो गेम का ऑडियो है उसको सुन सकते हैं। दूसरे कनेक्शन में हम लोग भाई लोग क्या करने वाले, जो हमारा माइक था, जो लैब माइक था, उसका जो 3.5 mm जैक है उसको हम लोग लगाने वाले हैं, हमारा जो स्ट्रीमिंग वाला फ़ोन है जिससे हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं उस पे। तो ये पिन मैंने यहाँ लगा दिया, तो अभी इस माइक्रोफोन से जो भी आवाज़ कैच होगी वो मेरे स्ट्रीमिंग फ़ोन में जाएगी और जो भी आवाज़ इससे कैच होगी वो हम लोग यहाँ लेंगे और यहाँ से फिर उसको स्ट्रीम करेंगे। अब आपको सिंपली इतना करना है कि जब भी आप गेम खेलेंगे जो साउंड आ रहा होगा स्पीकर के सामने आपको ये माइक प्लेस करना है, जो भी आवाज़ इससे निकल रही हो वो ये जो माइक्रोफोन है ये कैच कर ले, और इसको इस हिसाब से कर रहा है कि ये आपकी आवाज़ भी कैच कर पाए और स्पीकर की आवाज़ भी कैच कर पाए। मैं आपको एक इमेज में बता दूंगा, इसके अलावा एक वीडियो भी जो मैंने बनाई है जो सैम्पल स्ट्रीम की है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसको ऐसे प्लेस करना है कि आपकी जो आवाज़ है वो भी इस माइक से जाए और जो गेम की आवाज़ है जो स्पीकर से आ रही है वो भी ये कैच कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि माइक जितना सेंसिटिव होगा उतना अच्छा है। तो भाई लोग ऑडियो का जुगाड़ तो हम लोगों ने कर लिया, अब हम देखेंगे कि हमारा जो गेम प्ले है, जो वीडियो है, उसको हम लोगों को कैसे स्ट्रीम करना है। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ए पावर मिरर, जो ऐप हम लोगों ने डाउनलोड किया था दोनों फ़ोन में। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ए पावर मिरर ऐप जो है वो तभी काम करता है जब हमारे दोनों मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो एक ही वाईफाई नेटवर्क पे हों। तो या तो आप एक काम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रीमिंग फ़ोन है उससे ही एक वाईफाई हॉटस्पॉट क्रिएट करें और उस वाईफाई हॉटस्पॉट से हमारा जो गेमिंग फ़ोन है उसको कनेक्ट कर लें, तो ये दोनों जो ऐप है वो अच्छे से काम करेंगे। अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि दोनों ही फ़ोन्स में जो ए पावर मिरर ऐप है उसको खोलते हैं। ये मैंने जो हमारा गेमिंग फ़ोन है उसमें खोला और जो स्ट्रीमिंग फ़ोन है जिसकी स्क्रीन आपको पीछे दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में, इस पर भी हम लोग ए पावर मिरर ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद आप देखेंगे बॉटम में ब्लू कलर का एक बटन दबा बना आ रहा है जिस पर लिखा है टैप टू मिरर। तो हमारा जो गेमिंग डिवाइस है टैप करेंगे कि वो मिरर करे, और जैसे ही हम लोग टैप करेंगे और परमिशन देंगे यहाँ पे, जैसे ही ये देखिए इस तरीके से आपको शायद अभी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब अपने फ़ोन पर करेंगे तो नीचे आपके दूसरे डिवाइस का नाम आ जाएगा जिस पर ए पावर मिरर खुला हुआ है। जैसे ही आप इसको परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, आप ये देखेंगे कि इस फ़ोन की स्क्रीन हमारे जो स्ट्रीमिंग फ़ोन है उस पर आ गई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यही जो फ़ोन की स्क्रीन है ये आपको हमारे स्ट्रीमिंग फ़ोन पे दिखाई दे रही है जो हमारे गेमिंग फ़ोन की स्क्रीन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि ओपन करते हैं पबजी मोबाइल और पूरी स्क्रीन पे आप ये देखेंगे कि ये गेम लॉन्च हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस गेम यहाँ पे इस वाले फ़ोन पे हम लोग गेम खेलने वाले हैं और दूसरे वाले डिवाइस से हम लोगों को स्ट्रीम करना है। तो भाई लोग फाइनली पूरे कनेक्शन होने के बाद ऑडियो के और स्क्रीन मिरर करने के बाद जो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है ऐसा सा कुछ सेटअप है जिससे मैंने जो सैम्पल स्ट्रीम आप लोगों के लिए की है। इसमें आप ये देखिए जो फ़ोन वन है वो एक्चुअली हमारा गेमिंग फ़ोन है जो आपको दिखाई दे रहा है हाथ में, उस पर गेम चल रहा है। नंबर टू है ऑक्स केबल, जो ऑक्स केबल मैंने आपको दिखाई थी वो निकल रही है और वो जा रही है नंबर थ्री में स्पीकर में, ठीक है। नंबर फोर जो है वो है हमारा माइक जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, एक चार्जिंग पैड पे रखा हुआ है। ये माइक जो है वो स्पीकर से सारा का सारा ऑडियो जो है वो ले रहा है और वो ट्रांसफ़र कर रहा है हमारे जो नेक्स्ट फ़ोन है जो हमारा स्ट्रीमिंग फ़ोन था फ़ोन फाइव उसमें। तो ये एक ही फ्रेम में मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि पूरा जो हमारा सेटअप है वो ऑडियो और वीडियो को मिला के कैसे तैयार होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो अब आपको केवल इतना ही करना है, जो हमारा स्ट्रीमिंग फ़ोन था उस पर ओपन करेंगे स्ट्रीम लैब्स और स्ट्रीम का बटन दबाएंगे और जो आप यहाँ खेलेंगे वो वहाँ पे स्ट्रीम होगा, चाहे आपकी आवाज़ हो, चाहे गेम प्ले का साउंड हो, चाहे आपका जो वॉइस चैट हो। तो जो हमारा पहले वाला फ़ोन है जो स्ट्रीमिंग फ़ोन है उसमें जाएंगे स्ट्रीम लैब्स पे, इसको क्लोज नहीं करेंगे, स्ट्रीम लैब्स साइन इन मांगेगा, साइन इन करेंगे इसको, स्टार्ट नाउ। और अभी हमारी स्ट्रीम जो है शुरू हो गई है, आप टाइमर देखेंगे जो टाइमर है वो आना शुरू हो गया है। और इस तरीके से आप लोग, इतना सिंपल है स्ट्रीम करना। मैं वापस आया था अपने फ़ोन पे,
और आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे खेलेंगे वैसे वैसे आपको दिखाई भी दे रहा है और वैसे वैसे ये स्ट्रीम भी हो रहा है। एक स्ट्रीम मैंने ऐसी की है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, चेकआउट करिएगा उसको। इस स्ट्रीमिंग सेटअप को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या स्ट्रीम करने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो, या लग रहा हो कि कहीं आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल फील फ्री टू यूज़ द कमेंट सेक्शन। नीचे कमेंट करके वीडियो में हम लोगों को बताइए और जितना जल्दी होगा हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। आई होप ये वीडियो बिल्कुल 100% सक्सेसफुली आपको बढ़िया सी स्ट्रीम करने में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है, वो घंटा ज़रूर बजाना है, क्योंकि आपको पता है कि चमत्कार उसी से होता है। जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि नई वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।